में पेड़ दिख लिया हूँ, दो से तीन घंटा में पानी लगभग खत्म हो गया। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं ये है करजापट्टी के पंचायत का दृश्य। आपको बता दें यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत उदय समाचार जाकर किया था। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा और मजदूरों के द्वारा लगातार बांध बांधने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था। देख सकते हैं कितने फोर्स में यहाँ पानी बह रहा है। खासकर आपको बता दें कि सदर प्रखंड के कई गाँव में यह पानी तेजी से फैल रहा है। निकटवर्ती गाँवों के करीब 15,000 की आबादी प्रभावित हो चुका है। केवटी प्रखंड की करजापट्टी पंचायत के बिरने गाँव में रविवार की देर रात लगातार तीसरी बार अधवारा समूह की धौंस नदी का पुरबरिया महाराजी बांध 20 फीट में टूट गया। बताया जाता है कि इससे केवटी प्रखंड के लाधा, बिरने गांव, मजिगामा एवं सदर प्रखंड के हरिपुर एवं सीसो पूर्वी गांव में बाढ़ का पानी काफी तेजी से फैल रहा है। लगातार तीसरे दिन से एक ही स्थान पर बार बार बांध के टूटते रहने से अब स्थिति काफी भयावह बन गई है। वहां पर बांधने के लिए भी मजदूरों को और ग्रामीणों को सोचना पड़ रहा है। निकटवर्ती गाँव की 10 से 15,000 की आबादी बाढ़ से आपको बता दें कि अस्त व्यस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार दर्जनों परिवार घर बार को छोड़कर जान माल की सुरक्षा को लेकर शिवधारा मोहम्मदपुर सड़क पर विस्थापित हो गए हैं। यदि बांध दुरुस्त नहीं हुआ तो मोहम्मदपुर शिवधारा पथ को बाढ़ का पानी क्रॉस कर भलुका, भन्नी, जाम चलक को डुबोते हुए संपूर्ण शिवधारा दरभंगा बाजार समिति को पूरी तरह से अपनी चपेट में जल्द ही ले लेगा। इस तरह से आपको बता दें कि सदर के अधिकारी के साथ साथ दरभंगा के डीएम भी चिंतित हैं और लगातार इस बांध को बांधने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग इस पर लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानी अभी फिलहाल निचले इलाके में ही फैल रहा है। वार्ड सदस्य वहाँ जो लोग हैं सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और 10 फीट में जो टूटा था वो लगभग अब 20 फीट हो चुका है, जिसे ग्रामीण ने बोरी, मिट्टी, बांस आदि खरीद कर 4 दर्जन से अधिक मजदूर लगाकर बांध लिया था। लेकिन फ्लड कंट्रोल विभाग के कई जेई योगेंद्र राय ने ग्रामीणों को का भुगतान नहीं किया। इस पर ग्रामीणों ने काम को छोड़ दिया। नतीजन शनिवार की रात दूसरी बार 60 फीट में फिर से बांध टूट गया। इसके बाद फ्लड कंट्रोल के कई जगह से लेकर आपको बता दें अधिकारी तक घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। जब हम वहां घटनास्थल पर पहुंचे थे तो आपको बता दें पूरे बांध जर्जर स्थिति में है और बांध पुल पुल हर जगह से कर रहा था। आपको बता दें कि कब कहां पर टूटेगा ये समझ नहीं आ रहा था। बहुत बड़ा वहां पर चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर कहीं और बांध टूटता है तो ऐसे में दरभंगा शहर का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर समरणालय के अंदर तक पानी आ जाता है, दरभंगा के किसी यहाँ पर सरकारी कार्यालय में अगर पानी जाता है, किसी प्राइवेट कार्यालय में पानी जाता है, तो वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लगातार भारत उदय समाचार पर बाढ़ से जुड़ी विशेष कवरेज देख रहे हैं। सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। आपको बता दें कि बीते 2 अगस्त को आप यहां पर जो खबरें आ रही थी लगातार उसके बाद लोग सजग हैं, एक्टिव हैं, लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि किसी और गाँव में यह पानी ना जाए, जिससे लोगों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि आम नागरिकों को बाढ़ के पानी में डूबने, मरने और परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया है इस जगह पर, ये ग्रामीणों ने कहा है। विशेष कवरेज देखिए किस तरह से यहाँ पर बांध बांधने का काम हो रहा था जो अब यहाँ पर नहीं रुक रहा है। देखिए पूरा कवरेज।